तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक जगह के बारे में जानेंगे। वो जगह जो है यूरो मादेश के अंदर आता है और इंग्लिश चैनल के ऊपर कुछ द्वीप लेके ये जगह स्थित है। जगह का नाम जो है जर्सी। हाँ दोस्तों, जगह का नाम जो है जर्सी। तो दोस्तों चलिए, जर्सी का जो नेशनल फ्लैग हम देखते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जर्सी का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, फ्रांस और जर्सी के बीच ऐसा क्या विवाद है जिसकी वजह से जो है फ्रांस ने जर्सी का जो बिजली सप्लाई वो बंद करने की धमकी दिया था। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू में जो है जर्मनी ने ऐसा क्या धमकी दिया था जिसकी वजह से जो है जर्सी से बहुत सारा लोगों को जो है ब्रिटेन शिफ्ट करना पड़ा था। तो दोस्तों, जर्सी चाहे तो खुद को एक देश घोषित कर सकता है, लेकिन घोषित क्यों नहीं किया गया है। तो दोस्तों, हम एक एक करके आपको सब कुछ डिटेल्स बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर असल में दुनिया के अंदर जर्सी कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल पर सेट करना, कुछ भी अंदर कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों, हाँ, यूरो मादेश के अंदर आता है और इंग्लिश चैनल के अंदर कुछ द्वीप लेकर ये जगह स्थित है। जगह का नाम जो है जर्सी। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से। ये जो है हमारा भारतवर्ष अपना नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, यूरो मादेश की तरफ चलिए। तो दोस्तों, यूरो मादेश की तरफ हमें जाना पड़ेगा और वहां पर जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो इंग्लिश चैनल है उसके अंदर कुछ द्वीप लेके ये जगह स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लंदन के करीब आपको नजर में आ जाएंगे और पेरिस के करीब आपको नजर में आ जाएंगे। वो जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह, वो जो है जर्सी आपको नजर में आ जाएंगे। और साइड में आपको गार्नसी आपको नजर में आ जाएंगे। और वो जो गार्नसी है और जर्सी जो है दो एक था इतिहास में, लेकिन यहाँ पर जो है अलग हो गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, राजधानी की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है राजधानी सेंट हिलियर। हाँ दोस्तों, सेंट हिलियर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और बड़ा शहर भी है। एक एयरपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, पोर्ट सिटी आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, जो व्यापार होता है पोर्ट सिटी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, भाषा की बात करते हैं इंग्लिश, इसके अलावा यहाँ पर चेरियस, फरासी, पोर्तुगीज, पोलिश यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा धर्म की बात करें तो यहाँ पर जो है बिना धर्म के लोग रहता है 39%, और यहाँ पर जो है आंग्लिकन इंसान रहता है 23%, कैथोलिक इंसान रहता है 22%, पानी की बात करें तो 0%। यहाँ पर देख लीजिए, वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ राजधानी सेंट हिलियर, और सेंट हिलियर के पास जो है एक टूरिज्म स्पॉट है। वहाँ पर जो है बहुत देशों के अंदर इंसान जो है इस जगह पर घूमने आता है, क्योंकि ये जो है समुंदर की तटीय इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये जगह जो है नॉर्मेंडी ड्यूक से अलग हुआ है 1204 में, और ये जगह में जो है हर साल 9 में यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर मनाया जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ चार्च का लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, करेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग, जर्सी पाउंड यहाँ पर जो है करेंसी है, जो GBP, और गिनी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 0.3, जो बहुत ही लो में है। तो दोस्तों, राजा की बात करते हैं चार्ल्स थ्री, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो जेरी किट। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों, एक एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो जर्सी के अंदर मौजूद है लेकिन राजधानी में नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम फ्रांस के उपकूल के तट पर ये जगह स्थित है, और ये जगह जो है कुछ द्वीप लेके ये जगह स्थित है। अगर हम टोटल आइसलैंड की अगर हम संख्या कहें तो दोस्तों 12 टोटल आइसलैंड मौजूद है, और सबसे छोटा आइसलैंड का नाम जो है सेंट क्लीमेंट। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा, तो दोस्तों करीब करीब 7650 किलोमीटर दूर जो है जर्सी स्थित है इंडिया से। हाँ दोस्तों, इंडिया से 7650 किलोमीटर दूर है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटे छोटे आइसलैंड भी आपको नज़र में आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों, छोटे छोटे आइसलैंड आपको नज़र में आ जाएंगे। इसका ये जर्सी का जो है कह सकते हो जो एंथम है वो जो है ब्रिटेन से मिलता जुलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकता है जर्सी जो है ब्रिटेन का हिस्सा, लेकिन मैं आपको बता दूँ जर्सी ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जर्सी जो है सम्मान करता है ब्रिटेन को, इसलिए इस जर्सी का जो राजा है चार्ल्स थ्री, जो ब्रिटेन का राजा है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है साइड में एक एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, बेलिप जो है सर टिम लेक कोक, और इस जगह जो CM है उसका नाम जो है क्रिस्टीना क्यूर। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये सारे इंसान की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो जर्सी के सरकारी पद में है। आपको पार्किंग नजर में आ जाएंगे जो एयरपोर्ट की, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों, ये जगह की जो है जो राजा है जो चार्ल्स थ्री होने पे क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ जो है ये जर्सी के अंदर मौजूद है। जैसे कि जर्सी के अंदर इकोनॉमी का हो, लॉ का हो, जस्टिस का हो, हर कुछ नियंत्रण जो है जर्सी करता है। सिर्फ यहाँ पर कहने पे जो है यहाँ पर राजा जो है चार्ल्स थ्री, लेकिन ये जर्सी जो है ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा,
हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता लगेगा क्योंकि जार्सी सम्मान करता है यूके को, इसलिए जो है जार्सी का जो राजा है वो जो है जो कह सकते हो ब्रिटेन का राजा, और जार्सी जो है चाहता है एक देश होने पे, लेकिन जार्सी ऐसा नहीं किया। इसका कारण एक ही है जो ब्रिटेन का सम्मान करना। तो दोस्तों यूके से अलग इंटरनेशनल रिलेशन भी रखता है जार्सी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जार्सी का जो नेशनल एंथम, जार्सी का जो पॉपुलेशन और जार्सी के अंदर इंडियन कितने रहते हैं, जार्सी के अंदर जीजीपी और सरकारी पद में रहने वाला इंसान का नाम। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए एंथम लिख दिया हूँ, इसके अलावा आइसलैंड एंथम, इसके अलावा आदर्श वाक्य, जार्सी का जो ऑफिशियल नाम ये भी यहाँ पर लिख दिया हूँ आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसके अलावा कैपिटल और सबसे बड़ा शहर सेंट हिलियर्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहता है यहाँ पर देख लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नज़र में आ जाएंगे इंग्लिश, चेरियस, फरासी, पोर्तुगीज, पोलिश और भी भाषा में इंसान बोली जाती है यहाँ पर देख लीजिए। तो अगर धर्म की बात करते हैं यहाँ पर 39% यहाँ पर बिना धर्म के लोग रहता है। अब ध्यान से देख लीजिए जो राजा है यहाँ पर देख लीजिए जो वेलिब है, जो सीएम है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका नाम लिखते हैं। पानी की बात करते हैं 0%, हाँ दोस्तों जो पीने वाला पानी वो जो है 0%। यहाँ पर देख लीजिए जो जीडीपी मैं आपको दिखा रही हूँ आप ध्यान से देख लीजिए जीडीपी यहाँ पर लिख दिया 4.885 बिलियन। यहाँ पर देख लीजिए करेंसी यहाँ पर लिख दिया हूँ पाउंड स्टर्लिंग, जर्सी पाउंड जो जीबीपी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा ड्राइविंग सीट लेफ्ट, इसके अलावा एक बार कॉलिंग कोड देख लीजिए +44 इस जगह की कॉलिंग कोड। इसके अलावा पॉपुलेशन देख लीजिए 1,05,000 यहाँ पर जो है टोटल पॉपुलेशन है, और यहाँ इंडियन जो रहता है 100 से ज़्यादा कुछ इंडियन यहाँ पर जो है घूमने जाता है। तो दोस्तों ये जगह दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये जगह दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश चैनल के अंदर कुछ डीप लेके ये जगह स्थित है, तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जगह पर जो है बहुत रेट है हर सामान की, यहाँ पर पोर्नोग्राफी लीगल है, और यहाँ पर जो राजदूत है इंडिया की नहीं है, यूके की राजदूत से जो है इस जगह को नेतृत्व करता है, और यूके की राजदूत जो इंडिया में रहते हुए जार्सी को नेतृत्व करता है। तो दोस्तों 1950 में जो है ये जगह की जनसंख्या था 55,000, हाँ दोस्तों। और जार्सी का जो पैसा बैंक ऑफ आयरलैंड के साथ जो है ज्वाइंट है, यहाँ पर देख लीजिए एयरपोर्ट का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा हाँ दोस्तों यूके जो है ये जगह को सुरक्षा देता है, आप ध्यान से देख लीजिए एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यूके का जो है जो आर्मी है जार्सी को सुरक्षा देता है। इसके अलावा जो है यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है जार्सी, लेकिन अच्छा रिश्ता रखता है, आप ध्यान से देख लीजिए जार्सी का हर एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। ब्रिटेन का झंडा भी अपन नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जनप्रिय खेल की बात करें तो फुटबॉल, क्रिकेट, इसके अलावा रग्बी, इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर खेल खेली जाती है, आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ हर एक हिस्सा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा हाँ दोस्तों 9 मई यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान की इमेज मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। आपको नजर में आ जाएंगे जो राजा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो सीएम क्रिस्टिना आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक एक करके एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा देख लीजिए पैसा दिखाने की कोशिश करी हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जो है जार्सी के मैप आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ जार्सी की जो राजधानी सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है सेंट हिलियर कहाँ पर है, तो दोस्तों जो लाल हिस्सा में आ जाएंगे ये जो है सेंट हिलियर जो जार्सी की राजधानी। तो दोस्तों 2021 में जो है फ्रांस की तरफ से जो है एक बहुत बड़ा धमकी आया था, तो दोस्तों वो जार्सी की तरफ आया था। तो दोस्तों इसका कारण क्या था, तो दोस्तों मछली पकड़ने लेकर जो है फ्रांस के साथ जो है जार्सी का एक बहुत बड़ा विवाद है, और फ्रांस जो है कहा था हम जार्सी की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो बंद कर देंगे। तो दोस्तों हाँ मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोमार्स इसके अंदर आता है, और इंग्लिश चैनल के अंदर कुछ डीप लेके ये जगह स्थित है, जगह का नाम जो है जार्सी के संपर्क सब कुछ, और भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में चुप लगने से ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो।